हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा। आज मैं आपको बता रही हूँ पीसीओडी पीसीएस को दूर करने के लिए दो मुख्य आसन। तो सबसे पहला आसन है कपोत आसन, यानी कि पीजन पोज। पीजन पोज के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से पहले वज्रासन में आइएगा और फिर अपने राइट लेग को पीछे खोलिएगा और फिर अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से नी बैंग करके आप इस तरह से आगे रखिएगा। इस तरह से पैर आपका राइट लेग है वो पूरा सीधा रहेगा, जो टो है वो बाहर की तरफ रहेगा और ये आपका लेफ्ट नी है वो एकदम सेंटर में रहेगा। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ खोलना है और फिर जितना आप नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाइएगा और अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़िएगा। इस तरह से अपनी चेस्ट को थाई से टच करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी नोज को मैट से टच करने की कोशिश कीजिएगा। हाथों को जितना आगे खोल सकते हैं, फैला सकते हैं उतना फैलाइएगा और इस आसन में आपको रिलैक्स करना है। जितनी देर के लिए भी आप रिलैक्स कर सकते हो उतना अपने हिप्स की मसल्स को, थाइस की मसल्स को, पेल्विक फ्लोर मसल्स को, लोअर एब्डोमेन की मसल्स को ढीला छोड़ के रखिएगा। बैकबोन की मसल्स को भी एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ के रखना है आपको और इस तरह से पीजन पोज को, कपोत आसन को आपको होल्ड करना है। एज अ बिगनर आप चाहें तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आप एक मिनट के लिए भी इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। ब्रीदिंग आप नॉर्मल रख सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। दोनों हाथों में शोल्डर जितना गैप रखना है आपको। बहुत ही बेस्ट आसन है पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर को दूर करने के लिए। इसके बाद धीरे धीरे वापस आइएगा और सेम इसी आसन को दूसरी साइड से भी करना है। तो इस बार आप अपने राइट नी को आगे लेकर आइए, बैंड कीजिए और लेफ्ट लेग को पीछे पूरा खोलिए इस तरह से और वापस से दोनों हाथों को आगे खोलिए, बॉडी को ढीला छोड़िए, हिप्स की मसल्स को, थाइस की मसल्स को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ के रखिए। जितनी ज़्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए, पूरी मसल्स आपकी स्ट्रेच होंगी, पूरा खिंचाव आपको फील होगा। साथ ये बहुत ही बेस्ट है जिनको भी हिप्स पे थाइस पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है उसे दूर करने के लिए भी, साथ ही बैक पेन को दूर करने के लिए, साइटिका की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी। और फिर धीरे धीरे वापस आइएगा। तो इस तरह से 3-3 रिपीटेशन आपको करने हैं पीजन पोज के। नेक्स्ट आसन है उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज करने बताऊंगी सबसे पहले। तो देखिए उष्ट्रासन के लिए आपको अपने दोनों नीज पे खड़े हो जाना है और अपने दोनों नीज के बीच में लगभग शोल्डर जितना गैप करके रखिएगा। आप टोस को अंदर रखेंगे इस तरह से, दोनों पैरों में भी पीछे से गैप करके रखिएगा और अपने हाथों को इस तरह से हिप्स के पीछे रख लीजिए टच करके। और इसके बाद आइज को ओपन करके रखिएगा और धीरे धीरे आपको पीछे जाना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए आप जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाइए, अपने हिप्स को, थाइस को आगे की डायरेक्शन में पूरा पुश करके रखिए, नेक की मसल्स पूरा स्ट्रेच होंगी। आइज को ओपन करके रखिएगा, अदरवाइज आपको चक्कर आ सकते हैं, बैलेंस बिगड़ सकता है। शोल्डर्स को ढीला छोड़िए, एल्बोज को ढीला छोड़िए, सांस को अंदर ही आपको भर के रखना है। ये हाफ कैमल पोज एज अ बिगनर, यदि आप फुल कैमल पोज नहीं कर सकते हैं तो हाफ कैमल पोज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट है ये पीसीओडी पीसीएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। साथ ही जिन महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम है उसे दूर करने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, हार्ट के लिए बहुत बेस्ट है, ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए, वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप होल्ड करके रखिएगा। एज अ बिगनर आप 10 सेकेंड से होल्ड कर सकते हैं और इसके बाद आप इस तरह से चाइल्ड पोज में हर बार रिलैक्स कीजिएगा, बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़िएगा।
नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिएगा। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ फुल कैमल पोज। तो इसी तरह से अगर आप हाफ कैमल पोज कर रहे हैं तो 3 times आपको रिपीट करना है, और फुल कैमल पोज में आपको क्या करना है, उसी पोजीशन में आ जाना है, नीज के बीच में और टोज के बीच में लगभग शोल्डर जितना गैप रहेगा, आपको अपने टोज को अंदर रखना है। और देखिए किस तरह से करना है, सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को पूरा ऐसे रोल करते हुए लेफ्ट हील तक लेकर जाइएगा और ग्रिप कीजिएगा, और फिर बैलेंस करते हुए इसी तरह से राइट हैंड को पूरा रोल करते हुए और राइट हील तक लेकर जाइए। इस तरह से अब आप टच कर लीजिए, ग्रिप कर लीजिए, और इसके बाद आप अपने सिर को गर्दन को भी पीछे ढीला छोड़ दीजिए। इनहेल करके होल्ड करके रखिएगा, हिप्स को थाइस को जितना आगे पुश करके रख सकते हैं पुश करके रखिएगा। ये बहुत ही बेस्ट है, जितनी भी फीमेल्स की नाभि से नीचे वाली प्रॉब्लम्स है उन सभी को दूर करने के लिए, फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीसीओडी पीसीएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यूट्रस फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, साथ ही वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, थायराइड को दूर करने के लिए, अस्थमा को दूर करने के लिए, बैक पेन को दूर करने के लिए। तो जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 10 seconds काफ़ी है, 10 seconds होल्ड कीजिएगा, और फिर वैसे ही एक एक हाथ को आगे लेकर आइएगा बैलेंस करते हुए। इस तरह से धीरे धीरे आराम से आप वापस आइएगा, और हर बार आपको रिलैक्स जरूर करना है। तो अगर आप तब से सांस को होल्ड किए हुए थे तो इस तरह से लंबी गहरी सांस भरिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिएगा, और फिर इसका काउंटर पोज करना है, चाइल्ड पोज। बैकबोन को ढीला छोड़िएगा, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़िएगा, 30 seconds के लिए रिलैक्स कीजिएगा। तो इस तरह से कैमल पोज को भी आपको 3 times रिपीट करना है। रिलैक्स करने के बाद वापस आइएगा और फिर वापस से रिपीट करना है। तो पीसीओडी पीसीएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोनों ही आसन बहुत ही इफेक्टिव हैं, एक तो पिजन पोज कपोत आसन और उष्ट्रासन कैमल पोज। धन्यवाद।